अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीक और मैं हूं इकरा शहजाद। तो डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। सलाना हमले पर अमरीका की माफी के बाद नेटो सप्लाई इजाफी चार्जेस के बगैर बहाल मौलिक हथियार ले जाने पर पाबंदी। अमरीका सरहदी मुआहदे के तहत $1,10,000,000,000 देगा, नेटो सप्लाई रूट खोलने का खैर मकदम। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज सईद कहते हैं कौम को धोखा दिया गया। नेटो सप्लाई की बहाली के ऐलान पर ऑयल टैंकर्स मालिकान और ड्राइवर खुश, भंगड़े डालते रहे। पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुजाकरात आज होंगे। सजीत सिंह के मामले पर भारत से माफी का मुतालबा किया जाएगा। मसीहाओं की हड़ताल ने एक और मरीजा की जान ले ली, आज मजीद डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। सिंध असेंबली के सामने वुजरा के दफातर को जाने वाली सड़क पर मैन होल का ढक्कन गायब, पतली की खिदमात हासिल। शदीद गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया, इस्लामाबाद के कई इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। खादम आला के हलका इंतखाब दरिया खान में सैलाब मुतासरीन के मॉडल विलेज की तामीर को 7 माह गुजर गए, इफ्तिताह का कोई अता पता नहीं। बारिश के बाइस कोलंबो टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन, श्रीलंका आज आखिरी रोज फिर मैदान में उतरेगा। अलन फकीर की आवाज को 12 बरस बाद भी नहीं भुलाया जा सका।